हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और आज हम पढ़ेंगे बच्चों तीसरा चैप्टर। चलिए सबसे पहले अपनी अपनी किताबें निकालिए। सारे बच्चे सबने अपनी किताब निकाल ली? चलिए वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला, यानी लेटर एंड अल्फाबेट। वर्ण लेटर वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है। विशेष वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। बच्चों वर्ण क्या होते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि यानी आवाजें जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। चलिए देखते हैं बच्चों, ये तस्वीर देखो। दादाजी, एक लड़की क्या बोल रही है? दादाजी। बच्चे ने कहा दादाजी। अब देखिए दादाजी शब्द में कई ध्वनियां हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन सी ध्वनि है बच्चों। दो आ जो ई, यानी टोटल 6 ध्वनियां हैं इसमें। ये सभी ध्वनियां क्या है? ये सभी ध्वनियां वर्ण है। ये ध्वनियां ही बच्चों वर्ण कहलाती है। चलिए अब और देखते हैं बच्चों, इन तस्वीरों को देखिए। अपने चारों ओर हम बहुत सी ध्वनियां सुनते हैं। साए साए, घर घर, छुक छुक, टन टन। बच्चों ये जो तस्वीरें दी गई हैं, इनकी सबके अलग अलग ध्वनियां हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। सेपरेट एंड राइट द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। चलिए बच्चों देखते हैं, जैसे कि पहले शब्द में क्या दिया गया है? चमक। अब हम इनकी ध्वनियां देखते हैं। चो ओ मो ओ को ओ, क्या बना बच्चों? चमक। ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं, इन सब की ध्वनियां आप लोग घर से लिख कर लाएंगे, ठीक है? नीचे कुछ तस्वीरें दी गई हैं, इनकी ध्वनियां भी आप घर से लिख कर लाएंगे। चलिए आगे देखते हैं वर्णमाला यानी अल्फाबेट। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। 46 यानी 46 वर्ण होते हैं। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर तथा व्यंजन, स्वर वोवल्स। इन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, इसलिए इन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों हिंदी में? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? चलिए पढ़ते हैं। अ आ ई ई उ उ र ए आई ओ औ। चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। इन वर्णों को बोलने में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती है, इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 33 होती है। 33 यानी 33। चलिए बच्चों देखते हैं कुछ विशेष। अंग अह तथा अह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसलिए इन्हें आयोगवाह कहते हैं। बच्चों अंग जो अह है, ना ही ये स्वर की कैटेगरी में आते हैं, ना ही ये व्यंजन की कैटेगरी में आते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? आयोगवाह। बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्यंजन। व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? को खो गो गो अंग चो छो जो झो न्यो टो ठो डो ढो न्यो तो ठो द ध न पा फा ब भ मा या रा ल वा श श सो हा। चलिए बच्चों अब कुछ और विशेष देखते हैं हम। इनके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन और होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? छो त्रो ज्ञ तथा श। और दो विकसित ध्वनियां ढो और ढो, डो तथा ढो होती हैं। विकसित ध्वनियां कुछ शब्दों के उच्चारण के लिए होती हैं। अब
करने की बारी। नाउ लेट्स डू। द्विवर्ग वर्ण लिखिए जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। बच्चों ये जितना भी होमवर्क है ये सब आप घर से कर कर लाएंगे। अभी हमने क्या पढ़े हैं? वर्ण और वर्णमाला। आप इसका गृह कार्य घर से करके लाइए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।